नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालूबासा में दुकान तोड़े जाने को लेकर प्रभावितों ने किया हो हंगामा। डीसी ने बैठक कर की विकास कार्यों की समीक्षा। और सरकार गठन को लेकर जेएमएम के लोगों में खुशी, झारखंड छात्र मोर्चा ने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। भालूबासा चौक के पास आज एक बिल्डर द्वारा तीन दुकानों को अचानक तोड़ दिए जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। प्रभावित दुकानदार और उनके परिजनों ने भालूबासा चौक को जाम करते हुए खूब हो हंगामा किया। सिटी डीएसपी आरके चौधरी के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। सिटी डीएसपी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उनको खाली करने के लिए कहा जा रहा था, खाली नहीं कर रहे थे। उन्होंने दुकान जमीन को और बिल्डर को कंस्ट्रक्शन में दे दिया जैसे चुन रहे हैं, और बिल्डर द्वारा खाली कराने की बात हो रही थी। मेरे लोग खाली नहीं किए, रात में उनके सामान वामान बिल्डिंग को अपना तोड़ दिया और सामान वामान दुकान से कहाँ तक जाए। गलत तरीका है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए था। खाली कराने का कोई प्रावधान है कानून, और इस तरह की जो गलत हरकत किया है उसको उनको लिखित देंगे और कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभावित दुकानदारों का कहना था कि जब बिल्डर ने जमीन खरीद ली है तो पहले उसे हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन बगैर सूचना के उसने दुकानों को तोड़वा कर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बस्ती का आदमी लोग आगे खबर दिया कि आपका दुकान टूट गया, जब तक हम आए तो कुछ भी नहीं। आप कौन लोग तोड़े हैं, क्या चीज? सर, हमारा थाना का 3 GB यहाँ लगा हुआ था और बिल्डर का 20-30 आदमी था, मुन्ना खान उसका नाम। वो हम लोग को आज धमकी दे रहा महीनों से, कभी इसको भेज रहा है कभी उसको भेज रहा है, लेकिन हम लोग से कोई काम का बात नहीं है। मेरा दुकान में माल था जितना, कपड़ा आधा से ज़्यादा गैप हो गया, आधा भेज गया पानी में। तो इसमें प्रशासन की मिली भगत से हुआ। बड़ा बाबू बहुत पैसा तगड़ा खाया, हम लोगों को 2-3 बार धमकी देके गया बड़ा बाबू। रात को 9:30 बजे सब दुकानदार था, हम लोग हमको बुला के डांट रहा है कि दुकान खाली कर दो, अन्यथा नहीं तो तुमको हम बेल बंद करवा देगा, सामान सब ले जाएगा थाना में और तुम बेल कराते रहना। बड़ा बाबू हमेशा आके धमकी देके जाता था। बड़ा बाबू इतना पैसा खाया जो उसको हम लोग को समाज का बाहर है, और बड़ा बाबू क्या अथॉरिटी है जो हम लोग को दुकान का सामान फेंक देगा या कर देगा? हम लोग कोई चोट चमर है, कहीं गलत है? पुलिस जीप लगा के तोड़ ना, उसका पास कुछ कागज पत्र है? हमने बोला हाँ ठीक है सर, कागज पत्र लेके आइए, हम दुकान जरूर खाली कर देगा। दूसरी ओर जेवीएम नेता अभय सिंह ने दुकानों को तोड़े जाने पर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि सीताराम डेरा थाना प्रभारी की मिली भगत से दुकानों को तोड़वाया गया, एसएसपी को मामले की जांच करनी चाहिए। करके धमकी दिए और कहा कि मकान खाली करना पड़ेगा, जब ये लोग खाली नहीं किए तो बिल्डर के साथ साठ गांठ करके गरीबों के छाती पर बुलडोजर चलवाया गया। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जब एक ही मामले में दो कानून नहीं हो सकता है, जब झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ललन चौहान अपने भाड़ेदार को खाली कराए थे तो कदमा थाना प्रभारी और तत्कालीन एसपी ने उनको जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। 22 दिन बाद वे रिहा हुए। दूसरी तरफ
अगर थाना प्रभारी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उनके इशारे पर हुई है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर आज डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें डीसी अमिताभ कौशल, कई प्रशासनिक पदाधिकारी, विधायक रामदास सोरेन, विद्युत वरण महतो, मेनका सरदार और कई प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए धीमी गति से चल रहे कार्यों पर चर्चा की गई। रामदास सोरेन ने बैठक के मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डीसी ने विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया है। माननीय विधायक ने कहा कि एक योजना है टोटल ट्राइबल गांव में बनना पीसीसी सड़क, जिस पर प्रत्येक ब्लॉक को पांच पांच गांव को चुना गया है, जिसमें हम लोग का अनुशंसा है, और अभी उसको रद्द बदल कर दिया गया है। वहां पर जहां जनरल गांव, जनरल लोग भी रह रहे हैं, वैसे गांव को भी चुना गया, तो उसको भी सुधारने की जरूरत है। आज हम लोग सुझाव दिया है कि जब इस तरह यह योजना बिल्कुल आदिवासी गांव के लिए योजना आया है, तो टोटल वैसी जो गांव में संपूर्ण आदिवासी गांव है वैसी गांव को चुन करके इसको वहां का योजना को वहां पर लागू किया जाए। तो इसके लिए अब बहुत जल्द सब और एक बैठक बहुत जल्द ही बैठक डीसी महोदय ने बुलाएंगे और उसमें सुधार करके ही काम शुरू होगा। जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन और विद्युत वरण महतो ने राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के गठन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सरकार अच्छा काम करेगी। मंत्रिमंडल गठन के मुद्दे पर दोनों विधायकों का कहना था कि कोल्हान के वरिष्ठ जेएमएम विधायक चंपाई सोरेन मंत्री बन रहे हैं, उनके मंत्री बनने में ही हम लोगों को खुशी है। कोल्हान से हम लोग चार विधायक, आज कोल्हान से हम लोग को एक मंत्री मिल रहा है, जिसे हम लोग सब अगर मंत्री बनेगा तो फील्ड पे कौन काम करेगा। फील्ड पे काम करने के लिए तो विधायक रहना चाहिए ना। सरकार बन रही है और सरकार संवेदनशील बनेगी और जनता के हित में काम करेगी, और हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए बार बार इलेक्शन होने से ही एक खंडित जनादेश है झारखंड का, दुर्भाग्य जब से राज्य में खंडित जनादेश है और अभी भी श्योर नहीं कि वोट अगर हो जाता है तो मेजोरिटी कोई पार्टी विशेष पर होगा, ऐसा नहीं लगता है। तो हम लोग ने कहा कि सोचे कि भाई सरकार चले और पूरा पाँच साल चले, कि आम जनता वोटे देता है कि सरकार पाँच साल चले और जनहित में काम करे। अब पिछला जो अधूरा काम है और जो समाज से जुड़े हुए काम है, लोगों के लोकहित में काम है, उसको प्राथमिकता आधार पर लेकर काम करेगा, क्योंकि पूरा टीम युवाओं के हाथ में, तो निश्चित रूप से आगे चलकर अच्छा काम होगा। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा ने सरकार बनने की खुशी में आजाम बगान मैदान से रैली निकाली। जयराम मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन के स्वागत में हम लोग कल अधिकार रैली के रूप में रांची जाएंगे। हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री के पद पर झारखंड में विराजमान होने वाले हैं। इस बात की हम सारे झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को खुशी है, और हम उनसे मांग ही नहीं, हम आशा करते हैं कि आने वाले एक साल में जो राष्ट्रपति शासन के बाद जो सरकार बनने वाली है उसमें हेमंत सोरेन एक साल में इतना विकास कर देंगे कि झारखंड का जो है एक स्वरूप जो है एक अलग परिवर्तन तैयार हो जाएगा। आजसू यूथ ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा के जमशेदपुर में पुनर्स्थापन मामले की जांच की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। क्रांति सिंह ने कहा कि डीईओ की मिलीभगत से निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं, भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सोलह तारीख को डीईओ ऑफिस में तालाबंदी हम लोग करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर, पूरे आजसू पार्टी के नेताओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर एक कंप्लेन, लिखित कंप्लेन डीसी महोदय को दे दिया गया कि युवाओं ने आकर हमसे बदसलूकी की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा ही हम लोगों ऊपर एक्शन ले लिया गया। और हम लोग यह मांग करते हैं आज डीसी महोदय से कि किस तरह से उनका पुनः
छह महीने के अंदर फिर से उसी पद पे यहाँ पे आकर पदस्थापित हो गए। हम लोग उनको हटाने का मांग करते हैं उनकी संपत्ति के जांच के लिए, और यह मांग करते हैं कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए और किस तरह से दोबारा इस पद पे आ गए इसकी भी जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक अंतर विद्यालय में आज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता लॉयला स्कूल की टीम हुई। प्रतियोगिता में 20 स्कूलों के बच्चे भाग लिए। कोल्हान के आयुक्त राकेश कुमार ने क्विज प्रतियोगिता की तारीफ करते हुए ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने पर जोर दिया। जयपुर में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे बच्चे हैं जो इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेते हैं और इतने प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि मैंने जो 8-10 क्वेश्चन देखे मुझे किसी का आंसर नहीं मालूम था, मुझे कहीं शोर नहीं है। और मिस्टर गौतम का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था, और आप लोग आगे बढ़ें। अब तो हमको लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति वो आप लोग पिछाड़ सकते हैं, उससे बढ़िया आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर देना आसान होता है इसमें, क्योंकि 3-4 ऑप्शंस रहते हैं और आप लोग को स्पॉन्टेनियस जवाब देना पड़ता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने मिस्टर जैना से अनुरोध किया है कि जो ये टाउन में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो डीप देहातों में भी दें, क्योंकि आप लोग के जो भाई लोग हैं, चाईबासा है, सरायकेला है, जमशेदपुर के जो रूरल पार्ट है वो बहुत पीछे हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि क्या चीजें हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचे। आंध्रा एसोसिएशन के विवाद को लेकर न्यायालय में दायर मामले को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने पर अध्यक्ष पीवी राव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी कमेटी पर 650 सदस्यों ने मुहर लगाई है, फिर भी विरोधी इस पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कोर्ट ने दायर मामले को खारिज कर सराहनीय कार्य किया है। कोर्ट में किया था उसमें जो है अपने आप को अध्यक्ष बताते हुए 15 जून को इलेक्शन का ऐलान किया था, जबकि 16 जून को हम लोगों ने नोटिस दे के इलेक्शन कराने की बात कही थी, जिसका कि पीटी राव ने कोर्ट में दायर किया कि नहीं, 15 तारीख को हम ही इलेक्शन कराएंगे चूँकि हम इसके अध्यक्ष हैं। और आज जो फैसला आया उसमें उनका जो है बोलकर उनका जो 15 तारीख का इलेक्शन कराने की बात है उसको निरस्त कर दिया गया है। हम लोग जो चुनाव कराए थे यहाँ पर उसके वैधता पर उन्होंने सवाल उठा के फिर एक केस किया था, जिसको माननीय अदालत ने उसको भी रद्द कर दिया है। ये दोनों केस जो है हमारे पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है। लॉयंस क्लब और केपीएस बर्मा माइंस की ओर से आज संयुक्त रूप से आज जू में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत दर्जनों वृक्ष लगाए गए। लॉयंस क्लब की नंदिनी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब हमेशा सामाजिक कार्य करता रहेगा। आप लोग समाज के लोग अधिक से अधिक पेड़ उगाएं, लगाएं, हर जगह हरियाली फैलाएं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हमने इफेक्ट देखा डिजास्टर के रूप में उत्तराखंड में, ताकि हमारे मानवता को इससे न। जिला भाजपा प्रवक्ता अनिल मोदी ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि नहीं कॉरपोरेट घराने के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि डॉक्टर अजय कुमार को कॉरपोरेट घराने के लिए काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से जनता को अधिक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। परंतु झारखंड के क्षेत्रीय दल जिसे JVM के लोग से नाम जानते हैं और हम लोग उसे जनाधार विहीन मोर्चा के नाम से जानते हैं, उसके कुछ नेताओं द्वारा लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं पर टीका टिप्पणियां की जा रही है, तो उसके जवाब में हम लोग कुछ बातें जनता के समक्ष रखने चाहते हैं, क्योंकि उनके सिक्के के दोनों पहलू जनता के समक्ष उजागर होने चाहिए। मैं JVM के सांसद डॉक्टर अजय कुमार से 2-4 बातें सवाल पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अजय कुमार का ग्राफ लगातार गिर रहा है शहर में, और पिछले दिनों युक्सलाई स्टेशन रोड के कार्यक्रम में, सफाई के कार्यक्रम में जब डॉक्टर अजय कुमार बहुत प्रचारित होने के बावजूद वहाँ पहुँचे तो बमुश्किल वहाँ 10 लोग जुटे थे, क्योंकि जमशेदपुर में युक्सलाई की जनता के लिए डॉक्टर अजय कुमार ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए लोग वहाँ नहीं जुटे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी कार्यशैली में बदलाव न करते हुए अपने निजी सचिव CH राममूर्ति को तत्काल प्रभाव से काम से हटा दिया। उस राममूर्ति को जो उनके सांसद बनने के बाद लगातार पूरे निस्वार्थ भाव से उनके साथ लगा है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी
कॉरपोरेट मानसिकता का परिचय दिया है। मैं जेवीएम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे उनकी कॉरपोरेट मानसिकता को समझें। वे आज भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना स्टाफ ज़्यादा समझते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर अजय कुमार को ये बताना चाहिए कि क्या वे जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की 17 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं या जिस वो मैक्स कंपनी में काम करते हैं उसके प्रतिनिधि हैं। यदि उन्हें जनता की जरा भी चिंता है तो आज ही मैक्स कंपनी से इस्तीफा देकर जमशेदपुर की संसदीय जनता की सेवा में लगे, क्योंकि सांसदी का जॉब फुल टाइम जॉब होता है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है। और जमशेदपुर की जनता ने अपने सांसद को फुल टाइम काम के लिए सांसद बनाया है। काठ की आंटी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मुस्लिम समाज के पवित्र रमजान माह में पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर के मस्जिदों में काफी भीड़ उमड़ी थी। एक मुस्लिम धर्मावलंबी ने इस रमजान माह के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसकी खासियत के बारे में जानकारी दी। रमजान को आदमी पहला जुमा मिला और अल्लाह करे हमें इस मस्जिद में नमाज पढ़ के बहुत ही सुकून मिला, बहुत बड़ा मजमा था। काश के शहर के लोग इस मस्जिद को और बड़ी हो जाए, कई मंजिला हो जाए, ताकि सब लोग नमाज पढ़ें। हमें रमजान हमें सबक देता है कि हम सारे मुसलमान सारे इंसानों के साथ में कैसी हमदर्दी खैर खाई करने वाले हैं। वहीं आम बगान मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ राशि संग्रह की गई। इंसानियत फॉर्म से क्या कर रहे हैं आप लोग? ये उत्तराखंड के लिए वो दान जमा कर रहे हैं उनके लिए। बोले आज जुमा है, रमजान का पहला जुमा है और उसमें लोगों से उसके लिए सहायता। जुमा है, जुमा में हम दुआ भी करेंगे जो लोग परेशान हैं, परेशानी हालत से दूर हो। इंसानियत के नाते इंसानी पहला फर्ज है कि हम तो इंसान के नाते हमको पहला फर्ज है कि हमको मदद करना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। और पहली जुमा हम लोग दुआ करेंगे किस तरह लोग परेशान ना हो। फ्रैंक एंथोनी मेमोरियल ऑल इंडिया इंटर स्कूल डिबेट का आयोजन आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में हुआ, जिसमें शहर के अलावा पूरे राज्य से करीब एक दर्जन स्कूल भाग लिए। डिबेट की विजेता धनबाद की टीम हुई। डिबेट की मेजबानी कर रही एडीएल सनशाइन स्कूल की प्रिंसिपल इंद्रानी सिंह ने कहा कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने में उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। स्कूल पे से हमारी स्कूल एक है एंड दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9 एंड 10, वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है 11 एंड 12। हमारी स्कूल 9 10 कैटेगरी कर रही है। कैटेगरी क्या स्कूल सब्जेक्ट दिया जाता है? इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसमें है कि टॉपिक दी जाती है और टॉपिक जो है वो जस्ट डिबेट स्टार्ट होने के एक घंटा पहले दी जाती है। वो सील्ड एनवेलप में रहती है, सारे बच्चों के सामने चेयरपर्सन प्रिंसिपल चेयरपर्सन खोलते हैं और वो टॉपिक जो रहती है बच्चों को बोला जाता है। इस साल की टॉपिक है डिसिप्लिन ऑफ अ चाइल्ड इज बेसिकली अ डिसिप्लिन फ्री माइंड। कौन कौन सी स्कूल है मैडम? चार स्कूल जो है वो है राजेंद्र विद्यालय, नारधराम, आरबीएस एकेडमी और एडीएल सनशाइन। बागी जमशेद स्कूल में आज नर्सरी क्लास के बच्चों का फैंसी ड्रेस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्हे बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। फैंसी ड्रेस परेड का थीम था वॉच आवर वाटर। इस मौके पर काफी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। श्रीमती धोतीवाला ने कहा कि नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए यह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का आयोजन था, इससे बच्चों की बुद्धि निखरती है। हमारा फैंसी ड्रेस परेड है, कंपटीशन नहीं है। और बच्चे लोग को, हम लोग का थीम जो पानी बचाओ है वो इस फैंसी ड्रेस के द्वारा बता रहे हैं। और बच्चे लोग के पेरेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ से नए नए चीज़ों को डिपिक्ट किया है और बताया है कि किस तरह हम लोग, पानी हमारा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है।